गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है। 4500 से अधिक पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट निकाला है एसएससी सीएचएसएल 2022 ने और ये 10+2 लेवल इसका रहने वाला है। तो कैसे आप लोग ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन एलिजिबल है ना, नोटिफिकेशन आपका आ गया है उसमें क्या क्या गिवन है आपके लिए, जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, एग्ज़ाम कब तक होगा, ये सारी जानकारी, लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने की, और सारी फुल डिटेल्स आपको इसी वीडियो में मिलेगी। और आपकी वैकेंसी की जो पोस्ट रहने वाली है वो 4500 अभी है और इनका बढ़ने का चांस भी बहुत ज्यादा है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट सरकारीरिजल्ट.com पर यहाँ पर इस पूरे नोटिफिकेशन को देख पाएंगे, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एसएससी CHSL रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 4500 पोस्ट। ठीक है, 4500 पोस्ट अभी है और यहाँ पर आपके जो फॉर्म भरने की डेट है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। आगे चल करके एप्लीकेशन बिगन्स 6 दिसंबर 2022 से आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इसके अलावा जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि है 4 जनवरी 2023। ठीक है, इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट लास्ट डेट आपकी 5 जनवरी 2023 रहेगी, ऑफलाइन पेमेंट के लिए 6 जनवरी 2023। इसके बाद दोस्तों आपके लिए यहाँ पर जो जरूरी हो जाता है वो एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप जानते हैं जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपीज़ आपकी फ़ीस रहती है और फीमेल्स के लिए बिल्कुल यहाँ कोई फीस नहीं है। तो सभी इसका फॉर्म ज़रूर से फिलअप करें। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो आप लोग जानते हैं 10+2 लेवल पर है, तो ये तो ईजिली आप लोग समझ गए होंगे। एज देख लीजिए, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों, एग्जाम कब तक हो सकता है, ये भी एक बड़ा यहां पर क्वेश्चन आपके मन में आ गया होगा कि कितना समय आपके पास तैयारी के लिए है। सो डियर, यहां इसमें आप देख पाएंगे शेड्यूल फॉर टायर 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो पहला CBT होगा टायर 1, वो आपका फरब या मार्च में कभी भी हो सकता है। इन्हीं मंथ्स में आपका ये एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, डेट फिक्स यहाँ पर क्लियरली नहीं दी गई है और टायर 2 के लिए उन्होंने बताया है टू बी नोटिफाइड सून। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग अभी आपके पास यहाँ पर काफ़ी समय है तैयारी के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके 4 सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और जो आपके 100 क्वेश्चंस आपके इसमें होते हैं 25-25 चारों सब्जेक्ट के, जिनमें सामान्य बुद्धि जिसको हम रीजनिंग कहते हैं, GS और मैथ्स और इंग्लिश। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है और समय मिलेगा आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का। तो इस तरीके का इसका एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है 0.5 की। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो है 1/2 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। तो आप सभी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 6 तारीख से, जो कि मैंने आपको बता दिया है। सो गाइज, मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।